नमस्कार, न्यूज़क्लिक में आपका स्वागत है। पिछले कई सालों में जो देश की एग्रीरियन सिचुएशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, बहुत क्राइसिस है उसमें, और उसके साथ ही साथ जो प्रतिरोध हैं वो भी बढ़ रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशंस, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ऐसे अनेक मुद्दों पर कई बार किसान आंदोलन हमें देश में देखने को मिला है। और किसान आंदोलनों ने सरकार को मजबूर किया है उनके सामने घुटने टेकने के लिए, उनकी मांगों को मानने के लिए, चाहे फिर वो राजस्थान में सीकर का आंदोलन हो, दिल्ली में संसद मार्ग पे किसान संसद हो, या फिर नासिक में शुरू हुआ लॉन्ग मार्च जो मुंबई तक गया। 6 मार्च को हजारों किसानों ने ऑल इंडिया किसान सभा के बैनर तले एक मार्च स्टार्ट किया इन्हीं डिमांड्स पे, जो 12 मार्च को मुंबई पहुंचा और आखिरकार भाजपा सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा और उनकी मांगों को मानना पड़ा। आज हम इस पूरे लॉन्ग मार्च के पीछे का जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, उनसे बात करेंगे। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अशोक धावले जी मौजूद हैं, जो ऑल इंडिया किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किशन गुर्जर जी मौजूद हैं जो महाराष्ट्र किसान सभा के अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर अजीत नावले जो महाराष्ट्र किसान सभा के सचिव हैं। तो अजीत, आपसे शुरू करते हैं। पहले तो आप ये बताइए कि जो महाराष्ट्र में जो प्रेजेंट का जो सिचुएशन है, जो क्राइसिस है, वो किस तरीके का है? क्योंकि एक जो ये लगातार जो हम देखने को मैंने जो हमें जो देखने को मिल रहा है कि विदर्भा रीजन में जो सुसाइड्स का रेट है वो बढ़ता ही जा रहा है। आपका एक बहुत बड़ा मूवमेंट पिछले साल भी चला, सरकार ने कहा कि वो आपकी मांगों को मानेंगे, पर फिर उन्होंने वो साफ उससे मुकर गए, तो इस पे थोड़ा आप प्रकाश डाल सकते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में जो परिस्थिति है, पूरे देश में अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा आत्महत्याएं महाराष्ट्र में हो रही है। उसमें भी विदर्भ और मराठवाड़ा का जो एरिया है वहां पे हर दिन किसान आत्महत्याएं कर रहा है। तो आत्महत्या के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है कर्जा। तो किसान की जो उपज है उसको अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं, जो लागत मूल्य है वो भी वसूल नहीं हो रहा है, उसके चलते हर एक सीजन में लगातार किसान चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं कर्जे के, और उसके चलते नैराश्य के चलते उस परिस्थिति से उभरने का मार्ग नहीं दिख रहा, इसके चलते रोज आत्महत्याएं हो रही है। और ये एक बड़ा कारण है कि कर्जे के कारण, कृषि उपज को अच्छे दाम नहीं मिल रहे इसके कारण ये आत्महत्याएं बढ़ रही है। ग्रामीण इलाका पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। जिस प्रकार की नीतियां पिछले कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार ने ली, और अब जो सरकार सत्ता में है भाजपा की सरकार, वो जिस प्रकार की नीतियां ले रहे हैं, तो उसके चलते ग्रामीण भाग जो इलाका है रोजगार खत्म हो चुका है। जो नेट इनकम है किसान का, तो पीढ़ियों से जिस प्रकार की पॉलिसीज हम ले रहे हैं उसके चलते नेट इनकम बिल्कुल नहीं मिल रहा किसानों को, तो बहुत बड़ी समस्या में किसान फंस चुका है, और इसके कारण ये क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो हम ये लॉन्ग मार्च की बात करते हैं किशन जी आपसे, कि ये जो लॉन्ग मार्च का जो पूरा कॉन्सेप्ट था, वो इसका जो खाका है वो कब तैयार किया गया, और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स इसमें इन्वॉल्व थी, 50,000 से ज़्यादा लोग मार्च कर रहे हैं, जगह जगह पे खाने की व्यवस्था करना, सोने की व्यवस्था करना, मुंबई में जिस तरीके का सपोर्ट मिला, तो इसके ऑर्गेनाइजेशन में कितने एफर्ट्स लगे थे? पहला तो ये लॉन्ग मार्च पहले तो शुरुआत नहीं है, 2016 में अखिल भारतीय किसान सभा के ही नेतृत्व में किसानों की यही मांगों को लेकर नासिक में जो महापड़ाव हुआ था, वहाँ पर 1,00,000 किसानों ने 2 दिन 2 रात महापड़ाव में शामिल थे। उस वक्त मुख्यमंत्री ने दूसरे दिन चर्चा के लिए बुलाया, उधर भी वही मांगे मंजूर की, मगर हुआ क्या कि वो मांगों के ऊपर अमल नहीं हुआ। उसके बाद जो किसानों का स्ट्राइक हुआ, वो स्ट्राइक में भी हालांकि वहाँ अकेली किसान सभा नहीं थी, सुकाणू समिति जो अलग अलग संगठन का बनी थी उसमें कॉमरेड अजीत नवले सुकाणू समिति के नियंत्रक थे, उनको पूरा मालूम है, तो वो वहाँ पर भी वही मांगे उन्होंने मंजूर की, मगर अमल नहीं हुआ। और इसके चलते महाराष्ट्र किसान सभा ने 16 फरवरी को सांगली में निर्णय लिया और लॉन्ग मार्च का, और वो लॉन्ग मार्च 6 तारीख से शुरू होगा, 12 तारीख को मुंबई पहुँचेगा, ऐसा निर्णय लिया। उसी मीटिंग में सब ढांचा बनाया गया कि भाई ये लॉन्ग मार्च निकालना है तो कैसे जाएंगे, क्या करेंगे ये, और फिर अलग अलग जिला कमेटियों ने, फिर जिला कमेटी से तहसील कमेटियों ने, तहसील कमेटी से यूनिट कमेटी ने, वो सब नीचे तक गया, तैयारियां हुई,
और वो तैयारी करके 6 मार्च को लॉन्ग मार्च शुरू हुआ। ये लॉन्ग मार्च में जो किसान आए थे वो किसानों ने, वो किसी के बलबूते पर नहीं आए, खुद का खाना लाया, खुद का राशन लाया, खुद का लकड़ी लाया खाना बनाने के लिए, खुद का बर्तन लाया और खुद का एक गांव का एक व्हीकल जिसमें वो सामान रख सके, और वो व्हीकल के साथ वो मार्च के लिए आए। और वो भी 5 या 10 किसानों का नहीं था, 100 किसान, 200 किसान, 50 किसान से आगे ही था। तो ये सब ढांचा बनने के बाद लोग 6 मार्च को दोपहर को 12 बजे से आना शुरू हुए, 2 बजे तक पूरा 25-30 हज़ार लोग आए। हालांकि खाली नासिक डिस्ट्रिक्ट से नहीं आए, नासिक डिस्ट्रिक्ट, थाना पालघर, नगर, पूना, नागपुर, जालना, कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। हालांकि ये नासिक थाना और नगर से ज़्यादा लोग आए, मगर बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आए थे। और वो लॉन्ग मार्च 6 तारीख को शुरू हुआ, जो आपको मालूम है कि 12 तारीख को बम्बई पहुँचा। तो ये जैसे बॉम्बे में हमें देखने को मिला और रास्ते में भी देखने को मिला कि जो जनता है वो खुद अपने आप सपोर्ट करने के लिए लॉन्ग मार्च को आ रही है। डॉक्टर्स आए, कुछ लोगों ने चप्पलें दी, कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि पुलिस परमिशन नहीं मिली, तो एक बहुत अच्छी फोटोग्राफ है जहाँ लोग नदी के किनारे सो रहे हैं। तो ये जो पूरा ये जो सपोर्ट है वो स्पॉन्टेनियस था कि इसके पीछे भी कुछ तैयारियाँ हुई थी? देखो, हमने किसान सभा का जो तैयारी था, किसी का सपोर्ट मिले ना मिले, हम हमारी तैयारी से जाना है ये तय किया था 16 तारीख को, और उसी के मुताबिक सब तैयारी करके हम निकले थे। कहाँ पर भी पुलिस परमिशन का सवाल नहीं आया, हालांकि हमने लेटर्स वगैरह सब दिया था नासिक से लेकर बॉम्बे तक, मगर पुलिस लोगों ने भी अच्छी तरह से सपोर्ट किया। जो नदी के किनारे सोना पड़ा, तो वो नदी के किनारे का कारण ये था कि नदी को बहुत बहता पानी था, धूप कड़ी थी, तो शाम को भी नहाए हम लोग, सुबह भी नहाए और फिर चल पड़े अपने। और उधर नदी के बगल में एक बड़ा मैदान था, जहाँ पर वहाँ के स्थानिक जो बगीचा वाले थे उन्होंने लाइट का हमको ये कनेक्शन दिया। पुलिस लोगों ने बाकी कुछ, एक सरपंच थे, वो सरपंच ने लाइट का बंदोबस्त करने के लिए, ये हमने किसी को बोला नहीं कि भाई हमको ये मदद चाहिए, ये स्वयं सुरसी से मदद आने लगा। ग्राम पंचायत के सदस्य, नगर पालिका के तरफ से पानी का इंतज़ाम, लाइट का इंतज़ाम, ये होता रहा। और आगे आगे चलने के बाद जब थाना डिस्ट्रिक्ट में घुसे तो फिर सभी तरफ से, यानी कि वो जो बादशाह नदी के ऊपर हम थे तो वहीं पर शिवसेना के थाना डिस्ट्रिक्ट के जो मंत्री है वो खुद आके रात को 10-11 बजे मिले, और वहाँ से वो हर टाइम पे हमको मिलते गए। शिवसेना की तरफ से सपोर्ट तो था, पानी का सपोर्ट आया यानी मिनरल वाटर, उसके बाद मनसे का आया, और खुद होके हमारे नेता लोगों को फ़ोन किए कि भाई हम ऐसा करना चाहते हैं। तो पानी का तो कोई ये नहीं, हमने किसी को आह्वान नहीं किया, हमको सपोर्ट है। और भी था जो की बात बताऊंगा, तो ये तो राष्ट्रीय पक्ष, सभी राजकीय, बीजेपी छोड़ के सभी राजकीय पक्ष ने सपोर्ट किया, मगर उससे और ज़्यादा महत्वपूर्ण वहाँ के नागरिकों ने स्वयं से सब मदद, बिस्किट देना, कुछ कहीं पर फूड पैकेट्स देना, यहाँ तक कि पुलिस लोगों ने, एक पुलिस ने, इंस्पेक्टर ने 50 बकेट और 100 मग प्लास्टिक के वो खुद के खर्चे से ला के दिया। जो सोमैया ग्राउंड पे थे हम, वहाँ पर 1,000 लोगों का खाना पुलिस लोगों की ओर से आया। एक आमदार ने 1,000 लोगों का खाना रास्ते पर ही लोगों को एकदम शिष्टबद्ध तरीके से दिया। तो ये मॉरल सपोर्ट हमको मिला ना मांगते हुए, ये भी एक अच्छी बात है। और सब में मैं सबसे कहूँगा कि ये जो लॉन्ग मार्च का दूसरा स्वरूप है कि भी ये आत्महत्या चल रही है और ये किसान पैदल चल रहे हैं इतने धूप में, ये बात सभी लोगों के दिमाग में आई और उनका जो सपोर्ट मिला वो सबसे बड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, और उसमें एक आखिरी बात है कि सबसे ज़्यादा ये सब तो मिला ही, मगर मीडिया ने जो उठाया उसके वजह से ये सब लोग जागरूक हुए और उनको पता चला कि भाई ये लोग आ रहे हैं, उनके सपोर्ट में जाना चाहिए। अशोक, हम डिमांड्स पे वापस फिर से आएंगे, पर अगर हम
मौजूदा सरकार की बात करें, चाहे वो महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार हो चाहे केंद्र में भाजपा की सरकार हो, जब 2014 से पहले इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, आपने कहा कि भाजपा ने कहा कि 1.5 गुना दाम हम प्रोवाइड करेंगे, बड़ी बड़ी रैलियों में बड़ा बड़ा वादा हुआ, पर अगर हम पिछले 3-4 साल के स्टैटिस्टिक्स देखें तो ये जो सुसाइड रेट्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हरियाणा तक में सुसाइड रेट्स हमें देखने को मिला, तो ये पूरी जो भाजपा की नीति है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, भाजपा की नीति ये सही में अभी पिछले 4 साल में जब वो सत्ता में है वो पूरी तरह से किसान विरोधी और कॉरपोरेट्स को मदद करने वाली, इस प्रकार से एकदम बिल्कुल सीधी तरह से लोगों के सामने आई है। और जैसे आपने सही कहा, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के चुनाव के वक्त 440 सभा ली पूरे देश भर में, और हर सभा के अंदर उन्होंने कहा कि हम 1.5 गुना दाम देंगे, स्वामीनाथन कमीशन को हम लागू करेंगे, कर्जा माफ़ी की भी बात की उन्होंने, बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये था। लेकिन पिछले 4 साल में इसमें से एक भी मांग उन्होंने एक्चुअली मान्य नहीं की। उल्टा तो उन्होंने जो किया, फरवरी 2015 में सत्ता में आने के तुरंत 8-9 महीने बाद इसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट दिया, यानी शपथ पत्र जिसको हम कहते हैं, और ये कहा कि हम ये 1.5 गुना दाम स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार हम नहीं दे सकते क्योंकि उससे पूरे मार्केट में उथल पुथल हो जाएगी। ये एक बात है। कर्जा माफ़ी के बारे में एक लफ्ज़ उन्होंने निकाला नहीं, और एक तरफ किसानों को कर्जा माफ़ी नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। हमें याद है जो अलग अलग राज्य सरकारें जब किसान आंदोलन के चलते जब कर्जा माफ़ी का ऐलान कर रही थी, तब केंद्र के भाजपा के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने तुरंत वहाँ ऐसा बयान दिया कि अभी जो राज्य सरकार को कर्जा माफ़ी देना है वो करे, वो उनका खुद का पैसा इस्तेमाल करे, लेकिन हमारी केंद्र सरकार ये किसानों के कर्जा माफ़ी के लिए एक भी नया पैसा नहीं देगी। ये बात उन्होंने ऐलान किया। एक तरफ किसानों को कर्जा माफ़ी देना नहीं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे नीरव मोदी ये पूरा पैसा 1,000 करोड़ रुपया डुबा कर वो भाग गए देश से, विजय मल्लैया भाग गए, बाकी सब कॉरपोरेट्स का अगर आपने देखा जिसको वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, यानी उसका मतलब सीधे तरीके से ये है कि बैंकों का कर्जा डुबाने वाले, उसका अभी फिगर है 11.5 लाख करोड़ रुपीज़, यानी इतना पैसा ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स आज डुबाते हैं और उनको कुछ नहीं होता। नीरव मोदी और विजय मल्ल्या देश छोड़ के भाग जाते हैं बैंकों का पैसा डुबा कर, उनको कुछ नहीं होता। लेकिन अगर किसान 25,000 और 50,000 के कर्जे के लिए वो अगर उसको करना पड़ता है तो उसके पीछे पुलिस लगती है, बैंक के अधिकारी लगते हैं, सरकार लगती है, और आखिर में उसको आत्महत्या करना या तो अपनी ज़मीन जो कुछ थोड़ी है वो बेच डालना, ये दो ही उसके सामने विकल्प रहते हैं। ये है आज का परिस्थिति, और इसलिए ऑल इंडिया किसान सभा के इस लॉन्ग मार्च ने ये सब मामले उठाए, ज़मीन के मामले भी उठाए, जो आदिवासियों के ज़मीन का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 2006 के फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ये जो मंजूर हुआ पार्लियामेंट में, वो भी लेफ्ट पार्टीज़ के 61 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जब थे उनके दबाव के नीचे सरकार को वो मान्य करना पड़ा, नहीं तो अभी तक किसी भी सरकार ने आदिवासियों को न्याय देने का कभी भी सोचा नहीं है, न कांग्रेस सरकार ने सोचा है न बीजेपी सरकार ने सोचा है। तो ये करने के बाद अभी 12 साल हो गए, लेकिन वो ज़मीन जो पीढ़ियों से सदियों से हमारे आदिवासी किसान जो जोत रहे थे, तो उनके नाम पर करने का जो प्रावधान था वो कभी भी उन्होंने पूरा नहीं किया, और इसलिए ये हुआ कि ये ज़मीन के सवाल और कर्जा माफ़ी के सवाल, स्वामीनाथन कमीशन को लागू करने के सवाल, 1.5 गुना दाम लागत का देने का सवाल, ये सब पेंशन का सवाल हमने उठाया, गरीब किसान और खेत मजदूरों के लिए पेंशन देना, और दूसरे कुछ सवाल जो थे, ये पिंक बॉलवर्म जिसको बोनडाड़ी हम कहते हैं, जिससे विदर्भ और मराठवाड़ा में 12,000 करोड़ रुपए का कपास ख़त्म हो गया, उसको मुआवजा दो, ये सब सवाल जो हमने उठाए, इसको जो ज़बरदस्त प्रतिसाद मिला, ये एक सही में, और इसलिए ये किसान सभा के लॉन्ग मार्च ने, मैं इतना ही कहूँगा कि पूरे देश का दिल हिलाने जैसा काम किया, उसको जो प्रतिसाद मिला, क्योंकि ये जो 4 मांगे मैं आपको बोल रहा हूँ, बाकी स्थानिक मांगे तो अलग है, वो तो हम लड़े ही और जीते भी, लेकिन ये जो है कर्जा माफ़ी, 1.5 गुना दाम लागत का, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट यानी जंगल जमीन कानून को लागू करना, और पेंशन,
ये चार मांग पूरे महाराष्ट्र के किसानों की मांग तो थी ही, लेकिन पूरे देश भर के किसानों की और खेत मजदूरों की मांगें थी। और इसलिए जब मीडिया ने उसको लिफ्ट किया, एक्चुअली वो भी एक कारण था जिसकी वजह से मीडिया ने लिफ्ट किया, क्योंकि इस बात को पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा उसका प्रतिसाद मिला। और ये प्रतिसाद मिलने के बाद, जैसे किशन ने कहा, अजीत ने आपको कहा, पूरे जनता का जबरदस्त प्रतिसाद एक्चुअली ये पूरे किसान मार्च को मिला। वो न सिर्फ किसानों का मिला, लेकिन मुंबई ठाणे जैसे शहर में मजदूर वर्ग है, मध्यम वर्ग है, बुद्धिजीवी लोग हैं, ये सब लोगों ने पुल मिलाकर एक जबरदस्त इसको एक समर्थन दिया। और ये है एक्चुअली इस किसान सभा के लॉन्ग मार्च का सही माने में उसका जो यश या विजय हम कहते हैं, ये एक बात हुई उससे। अजीत, आपसे बात करते हैं कि ये जो डिमांड्स, जैसे अशोक जी ने बताया, इन किन डिमांड्स पे सरकार ने हमी भरी है, उसके लिए कोई टाइम लिमिट सेट किया है कि नहीं किया है, क्योंकि एक बार तो ये वापस जा चुके हैं उन डिमांड्स पे वादा करने के बाद भी। देखिए, कर्जा माफी की जो मांग है, तो ये मांग बरसों से हम करते आ रहे हैं। तो क्यों कर्जा माफी मांग रहे हैं? तो कोई उपकार के चलते हम कर्जा माफी नहीं मांग रहे, कोई मदद के हैसियत से हम कर्जा माफी नहीं मांग रहे। बरसों से सरकार जो पॉलिसीज ले रही है उसके चलते किसानों को सही दाम नहीं मिल रहे। जब पसीने के दाम मिलने की बारी आती है, दो पैसे मिलने की बारी आती है, तो सरकार इंटरवेंट कर देती है, हस्तक्षेप करती है और वो खेती माल के दाम गिरा देती है। या तो एक इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट पे बैन होता है। तो लूट हो रही है बरसों से, पीढ़ियों से। किसान के बच्चे कर्जा माफी की मांग कर रहे हैं, वो लूट वापसी की एक्चुअल मांग है। तो लूट वापसी के मांग के चलते कर्जा माफी होनी चाहिए, कर्जे में फिर से हम नहीं डूबे, इसके लिए अच्छे दाम मिले, डेढ़ गुना दाम मिले। ये दो मांगे पूरे देश में प्रमुख मांगे बन चुकी है। महाराष्ट्र में जो महामुक्काम आंदोलन हुआ 1,00,000 लोगों का, उसके बाद किसान स्ट्राइक हुआ, तो उस दोनों के चलते महाराष्ट्र में कृषि के कर्जा माफी की घोषणा सरकार को करनी पड़ी। 34,000 करोड़ उन्होंने कहा कि हम किसानों का माफ करेंगे, और उसके साथ उन्होंने कहा 90,00,000 किसानों को हम उसको राहत देंगे। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो आप देखेंगे इस प्रकार की शर्तें लगाई कि बहुत कम लोगों को उसका फायदा हो। तो उसके खिलाफ किसान के बच्चे और किसान सभा लगातार 7 महीने हम जूझे कि आप इन शर्तों को हटाइए। वो नहीं हटा रहे थे, 34,000 करोड़ देने वाले थे, 7 महीने हो गए, अब अक्का अकड़ा है 13,700 करोड़ रुपए तक वो पहुंचे। लेकिन किसान पे सिर्फ क्रॉप लोन की अगर हम बात करते हैं तो 1,10,000 करोड़ का कर्जा है। आपको मैं बता दूं कि घोषणा होने के बाद, कर्जा माफी की घोषणा होने के बाद महाराष्ट्र में 1,700 किसानों ने आत्महत्याएं की है कर्जे के कारण। तो ये पूरा जो मसला है, तो पीठ में एक प्रकार से छुरा भोंकने वाली बात की तो उसका संताप था किसानों के बीच। डॉक्टर अशोक धवले जी ने आपको बताया, वो था फॉरेस्ट राइट एक्ट जो हुआ है 2006 में, लेकिन अब तक लगातार संघर्ष के बावजूद भी उन किसानों को उन जमीन के पट्टे उनके नाम पे नहीं किए गए। तो ये मसला था जिसके चलते ये लॉन्ग मार्च हुआ, और सरकार को अभी मान्य करना पड़ा है बहुत सारी शर्तें जो थी कर्जा माफी की उसको हटा के उसका दायरा बढ़ाने में लॉन्ग मार्च यशस्वी हुआ। 6 महीने के अंदर उन्होंने कहा है कि हम फॉरेस्ट राइट एक्ट का इंप्लीमेंटेशन करेंगे और वो पट्टे किसानों को देंगे। उसके साथ जो बाकी की मांगे थी, स्वामीनाथन आयोग के चलते मूल्य मिलना चाहिए, तो राज्य में अभी राज्य कृषि मूल्य आयोग का गठन होगा, उसकी कमिटी बनेगी, आधार भाव मिले इसके लिए एक रेडरेसल एजेंसी के तरफ से वो काम करेंगे। तो कुछ हद तक दो कदम हम आगे बढ़े हैं, लेकिन ये पूरी जीत नहीं है। मैंने कहा कि इसके उसको डिवाइड करना पड़ रहा है हमें। तो पहला जो ये बना 1,00,000 किसानों को लेके बैठे, कुछ मांगे मनवाई, दूसरा फार्मर स्ट्राइक हुआ, कुछ मांगे हासिल की, तीसरा अभी लॉन्ग मार्च बना और कुछ हासिल किया। तो लूट वापसी की लड़ाई जो है किसानों के बच्चों की, तो एक एक कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते पूरी लूट वापसी एक और लूट रोकने की लड़ाई भी दूसरी ओर। तो ये दोनों चीजें लेके महाराष्ट्र में किसान के बच्चे और किसान सभा हम आगे बढ़ रहे हैं। किशन जी, सरकार का इतिहास है मांगों पे वापस जाने का। राजस्थान में हमें देखने को मिला
सीकर में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, सरकार ने कहा हम आपकी मांगे मानेंगे, और फिर वो मुकर गए। दोबारा मार्च स्टार्ट हुआ तो क्रैकडाउन हुआ, 200 से ज़्यादा नेताओं को जेल में डाल दिया। अगर महाराष्ट्र सरकार वापस जाती है फिर से, आप इन ये जो आपके मांग है कि वो उसे इम्प्लीमेंट नहीं करती है, तो आगे का रास्ता क्या है फिर महाराष्ट्र में? आगे का रास्ता क्या है? अभी आप मैंने पहले ही बताया कि 2016 में हमने मांग मुकाम किया, उसके बाद में 2016 में ही 3 अक्टूबर को वाड़ा तहसील में, पालघर डिस्ट्रिक्ट के वाड़ा तहसील में आदिवासी विकास मंत्री के घर पर 50,000 के ऊपर विद्यार्थी, महिला, युवक और किसान सभा के सभी कैडर, 50,000 से ऊपर लोगों ने उधर घेरा डाल दिया। 2-3 घेरावट चला, फिर उधर जीआर निकालना पड़ा, ये फॉरेस्ट साइज एक्ट के चलते और बाकी मांगों को लेते हुए, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो उसका कारण हुआ किसान का स्ट्राइक। किसान का स्ट्राइक पे वो ये लोन वेयर का जो मुद्दा था उसके ऊपर उन्होंने कुछ अच्छी, यानी कि सरसकट कर्जा का बोले, मगर फिर 1.5 लाख पर लाए, 1.5 लाख पर लाए, शर्तें लगाई। अभी अजीत जी ने आपको कहा है कि वो शर्तें कुछ हद तक सुलझाने का काम हुआ है, मगर वो पूरा नहीं हुआ है। उसी प्रकार ये जो वनाधिकार कानून का भी उन्होंने 6 महीने में निपटारा करने के लिए कहा, यदि नहीं होता है तो संघर्ष का रास्ता हमारे लिए बंद नहीं हुआ, संघर्ष और तेज करेंगे, और वो ऐसा संघर्ष होगा कि वो दुगुना तिगुना बनता जाएगा। किसान पीछे हटने वाले में से नहीं है। अशोक, ये जो हमने देखने को मिला है कि बहुत बड़े किसान आंदोलन हुए हैं और उन्हें जीत भी मिली है, प्रतिरोध के जो स्वर हैं चाहे वो किसानों के हों चाहे वर्कर्स के हों, एक बहुत बड़ा महापड़ा हुआ, न्यूज़क्लिक ने उसे एक्सटेंसिवली कवर किया, तो ये जो प्रतिरोध है वो तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है। किसान सभा कई ऐसे मास फ्रंट्स का भी पार्ट है, चाहे भूमि अधिकार आंदोलन हो, जन एकता अधिकार मंच हो, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, जो अलग अलग जगहों पे ऐसे कई मुद्दे उठा रहे हैं। अगर हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये पूरी बात रखें तो आगे ऐसे ऐसे और कई मोर्चे मुझे लगता है कि आने वाले होंगे, थोड़ा उस पर प्रकाश डालेंगे। और साथ ही साथ कई चुनाव भी हमारे सामने हैं, और जैसे कि भाजपा में दरार, एनडीए में दरार पड़ना शुरू हो गई है, तो इस पूरे मूवमेंट्स का जो पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन है वो क्या होगा? देखिए, आज जो सिचुएशन आई है, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि पिछले 4 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल में आज ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पर आज लोगों को ये महसूस होता है कि ये सरकार आम आदमी की नहीं है, मजदूरों की नहीं है, किसानों की नहीं है, खेतिहार मजदूरों की नहीं है, छात्रों की नहीं है, विद्यार्थियों की भी नहीं है, महिलाओं की तो है ही नहीं, और दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और बाकी सभी, पूरा बहुजन समाज का भी बहुत बड़ा हिस्सा, इनके खिलाफ में ये सरकार लगातार काम कर रही है। और इसलिए आपने जो बताया कि एक तो किसान सभा तो है ही, हमारी CITU है, हमारी खेत मजदूर यूनियन है वो, और बाकी सभी जनसंगठन तो कर रहे, लेकिन एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म्स भी आज खड़े हो रहे पूरे देश भर में। भूमि अधिकार आंदोलन, इसकी शुरुआत हुई जब मोदी सरकार ने जमीन संपादन का वो कानून के अंदर बदल करने का कोशिश किया और किसानों से जमीन छीनने का पूरी तरह से वो जो ऑर्डिनेंस निकाला, तब से उसका शुरुआत हुआ और कई सारे संगठन उस भूमि अधिकार आंदोलन में इकट्ठा हुए। जब हमारा किसान सभा का स्ट्राइक, ये किसान स्ट्राइक जो महाराष्ट्र में शुरू हुआ, और मंदसौर में 6 जून को पिछले साल 6 किसानों को मार दिया गया गोली से, बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद में बहुत हलचल हो गई और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का निर्माण हुआ, जिन्होंने किसान संसदीय 184 संगठन ने मिलकर वो किया। ट्रेड यूनियन का भी आप देखते हैं, अभी जो दिल्ली में बहुत बड़ा ये हुआ, उसके अंदर काफ़ी सब ट्रेड यूनियंस BMS को छोड़कर बाकी सब ट्रेड यूनियन इकट्ठा आ गए। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस एक्चुअली बीजेपी सरकार के खिलाफ पूरी आम जनता को इकट्ठा करने वाली प्रोसेस है, और इसका आज असर क्या दिख रहा है पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से हम ये देखते हैं। अभी देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और फूलपुर के चुनाव हुए, अररिया के चुनाव हुए बिहार में, उसके पहले अलवर और अजमेर के लोकसभा के उपचुनाव हुए राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हुए, ऐसे पंजाब में गुरदासपुर में हुए,
तो आप देखेंगे लोकसभा के जो जो उपचुनाव हुए इन सभी में लगभग भाजपा की हार हुई है। अलग अलग राज्यों के अंदर उनकी हार हुई है, गुजरात के अंदर भी एक्चुअली वो बाल बाल बचे। अमित शाह जी तो बोल रहे थे 150 से नीचे हम लेंगे नहीं, तो हम सेलिब्रेट ही नहीं करेंगे। इन्होंने सेंचुरी भी नहीं मार सके, वो 99 तक वो रुके, और वो भी किस प्रकार से हुए वो तो, और क्या उन्होंने वहाँ क्या किया वो तो सभी पूरी जनता जानती है। तो इसलिए गुजरात बाल बाल बचे, जो उनका खुद का राज्य था। अभी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उनके उप मुख्यमंत्री जी, इन्होंने जो वेकेट किए सीट्स है, दोनों सीट वो हारे और विपक्ष जीता वहाँ पर। अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के ऊपर शुरू हो रहा है। तो ये सब चीज़ से क्या दिखता है कि आज बीजेपी सरकार का जनाधार ये जरूर कम होते जा रहा है, उनकी नीतियों की वजह से ये हो रहा है। और आज पूरा देश जान गया है इनका भ्रष्टाचार। ये जो बोल रहे थे ना, न खाऊंगा और न खाने दूंगा, तो आज तो आप सबको खाने दे रहे और आप खुद भी खा रहे, ये तो बात एकदम क्लियर हो रही है। नीति तो पूरी तरह से कॉरपोरेट्स को, और वो भी क्रोनी कैपिटलिज्म को पूरी तरह से आगे लेके जाने वाली इनकी नीति है। उसके साथ में सांप्रदायिकता को ये पूरी तरह से आज फैलाव कर रहे हैं, जातीयवाद को फैलाव कर रहे हैं, ये हम देखते हैं पूरे देश के अंदर ये दिखाई देता है। ये सब चीज़ आज लोग आस्ते आस्ते जानने लगे हैं। लेकिन ये जो बात है, अगर ऐसे संघर्ष नहीं होंगे जो आज संघर्ष पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में उभर कर आ रहे हैं, ये संघर्ष होना यही एक एक्चुअली गारंटी है कि ये सरकार गिर जाएगी। और ये नीति तो बदलेगी नहीं, बिल्कुल बदलेगी नहीं, क्योंकि वो नीति की तरह बगैर मोदी जी नहीं रह सकते, बीजेपी बीजेपी नहीं रह सकती, आरएसएस आरएसएस नहीं रह सकती, क्योंकि इनका ये एक जिसको टोटली इसका एक पूरी तरह से इनडिविजिबल पार्ट है इनकी नीति। और ये और इसलिए हम जो आज मांग कर रहे हैं कि इनको पूरी तरह से, नीति तो ये बदलेंगे नहीं, और इसलिए इनको ही हटाने की ज़रूरत है पूरे देश भर से, नहीं तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ी तबाही होगी। और इसलिए बीजेपी के और आरएसएस के सरकार को हटाना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसको हटाने के बाद एक नया विकल्प खड़ा होना चाहिए, जनवादी वामपंथी विकल्प खड़ा होना चाहिए, जो विपक्ष की वैकल्पिक नीति ले। और अगर वैकल्पिक नीति न हो तो फिर किसानों का मजदूरों का कोई भी भला नहीं हो सकता, ये बात है। मैं एक आखिर में आप कहता हूँ, आज हमारी अखिल भारतीय किसान सभा की सेंट्रल किसान कमेटी की मीटिंग आज ही पूरी हुई। एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हमने लिया है, और वो फैसला ऐसा है कि आने वाले दिनों में हम ये कर्जा माफ़ी और स्वामीनाथन कमीशन और डेढ़ गुना दाम, इन तीन सवालों पर लेकर हम पूरे देश भर जाएंगे, किसान सभा जाएगी, 10 करोड़ दस्तखत हम किसानों से इकट्ठा करेंगे, 10 करोड़ दस्तखत हम गांव-गांव तक जाएंगे, लोगों तक जाएंगे। और ये जो मांगे हैं, जो अभी अजीत जी ने बताया, लूट वापसी की मांग है, एक न्याय की मांग है, उसके लिए 10 करोड़ हम सिग्नेचर इकट्ठा करेंगे। और 9 अगस्त जो दिन ब्रिटिशों को चले जाओ का नारा जो महात्मा गांधी ने दिया था, तो अभी इनको भी चले जाओ का नारा देने के लिए पूरे देश भर के अलग अलग जिला कलेक्टर के सेंटर पर लाखों किसान जमा होंगे आने वाले 9 अगस्त को। और ये जो 10 करोड़ सिग्नेचर हम तब तक इकट्ठा करेंगे, वो प्रधानमंत्री जी के नाम हम कलेक्टर को वहाँ देंगे, और इससे एक ज़बरदस्त पूरे देश भर में एक नया वातावरण, एक नया माहौल इस सरकार के खिलाफ आज निर्माण करने का हमने वो तय किया है। उसके साथ में दूसरे तो संघर्ष जो ज़मीन के है, बाकी है, स्थानिक संघर्ष है, वो तो चलते ही रहेंगे। इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है कि बीजेपी और आरएसएस के सरकार को हरा दिया जा सकता है पूरी तरह से, उसमें सवाल ही नहीं। और उसके अंदर एक दूसरा नया विकल्प जो वामपंथी और जनवादी विकल्प है, उसको खड़ा करने का भी रास्ता ये हम आगे खुल सकते हैं। इस विकल्प की और जो प्रतिरोध की बात है, इसी पे हम ये चर्चा आज ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे आगे जितने भी आंदोलन हमें देखने को मिलेंगे, न्यूज़क्लिक उन्हें एक्सटेंसिवली कवर भी करेगा और आपको आपके साथ खड़ा भी मिलेगा। धन्यवाद। किसान संगठन जो है, उन्होंने चुनौती का जो एक बिगुल है यहाँ से फूंक दिया है,
9 अगस्त को एक बड़ा मार्च जो है बड़े प्रोटेस्ट प्रोग्राम के साथ वो फिर से आएंगे और न्यूज़क्लिक लगातार इन्हें फॉलो करता रहेगा। न्यूज़क्लिक देखने के लिए धन्यवाद।